जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको एक स्क्रीनशॉट। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं राशन कार्ड में नो स्टेटस है। जी हाँ दोस्तों, आपको इनका रीज़न बताऊंगा। रीज़न क्या था? रीज़न इनका था, जो इलेक्ट्रॉनिक्स नंबर था वह फैच आउट गलत हो गया था, यानी कि बिजली बिल 9000 से ज़्यादा की वजह से इनका BPL राशन कार्ड काट दिया गया था। तो हमने ग्रीवेंस डाली। ग्रीवेंस डालते ही यहाँ पर आप नीचे एक्शन में देख रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल भी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यानी कि बिल्कुल यहाँ पर क्लियर हो चुका है। जो ग्रीवेंस डालने की वजह से ग्रीवेंस भी अप्रूव हो चुका है। और दोस्तों, अब आपका भी अगर ग्रीवेंस अप्रूव हो चुका है दोस्तों, यदि आपकी इनकम की ग्रीवेंस भी आपने डाली थी, यानी कि आपकी इनकम भी सही हो चुकी है। कुछ भाई साथी हमें कमेंट कर रहे थे कि हमारी इनकम सही हो चुकी है, और कई कमेंट कर रहे थे कि हमारा बिजली का जो आरोप लगाया गया था वह सही हो चुका है, लेकिन अभी तक जो है BPL राशन कार्ड नहीं बना है। वाई दोस्तों, उसका हम यहां पर आपके लिए आंसर लेकर आए हैं। हमने जो पता किया है उसके माध्यम से आपको बता देते हैं दोस्तों। क्या है कि गवर्नमेंट जो है हर रोज़ आपका डाटा रिफ्रेश नहीं करती है, कुछ समय लगता है। जैसे कि हर महीने हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट हर महीने डाटा रिफ्रेश करती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, जैसे ही रिफ्रेश किया जाता है, जितनी भी 1,80,000 से नीचे फैमिली ID पाई जाती हैं, उनका ऑटोमेटिकली नाम PPL में दर्ज हो जाता है या अंत्योदय राशन कार्ड बन जाता है। इसके अलावा जिनकी 1,80,000 से ऊपर वेरीफाइड इनकम होती है, उनका कट भी जाता है, या फिर अदर कोई भी रीज़न होता है, चाहे बिजली बिल की वजह से हो या अदर हो, तो वो कट भी जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमें पुख्ता जानकारी मिली है उसके हिसाब से हम आपको बता देते हैं दोस्तों, कि आपने यदि आपका ग्रीवेंस डाला था वह सक्सेसफुल सही हो चुका है, अब कोई भी प्रकार की आपके राशन कार्ड में दिक्कत नहीं है। बट दोस्तों, इनका भी देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फैमिली इनकम 25,000 से 50,000 वेरीफाइड है, और राशन कार्ड में अगर देख पा रहे हैं नो लिखा हुआ है, और नीचे भी कोई ऐसा एक्सक्लूजन रीज़न नहीं है जिसकी वजह से ये BPL के पात्र नहीं है। ये BPL के पात्र हैं दोस्तों, और आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपने वेट करनी है। जैसे ही गवर्नमेंट रिफ्रेश करेगी तो आपका भी BPL राशन सूची में नाम आ जाएगा। मंथ ऑफ द फरवरी वेट कर लीजिए, जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी उसी टाइम पर वीडियो आ जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा। अब इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, इतनी इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके लिए, तो आप शेयर ज़रूर कर देना। बाकी दोस्तों, समस्या है कोई तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो मिलते हैं नई अपडेट के साथ।